मुरैना के हितमपुर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब उधमपुर से दुर्ग जा रही रेल गाड़ी संख्या 20848 दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 4 डिब्बों में भयंकर आग लग गई। ये रेलगाड़ी गुरुवार रात 11:55 पर उधमपुर से रवाना हुई थी और इसे शनिवार सुबह छत्तीसगढ़ के दुर्ग पहुंचना था। ट्रेन आगरा तक बिल्कुल ठीक ठाक चली, लेकिन आगरा और मुरैना के बीच एक छोटे से स्टेशन हेतमपुर के पास अचानक गाड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते गाड़ी के 4 डिब्बे धूं धूं कर जलने लगे। गाड़ी के जिन डिब्बों में आग लगी वो एसी कोच थे। अंदर बैठे मुसाफिरों ने एसी कोच के शीशे तोड़कर जान बचाने की कोशिश की। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, एसी कोच के शीशे फूटे हुए हैं और उसमें से काले धुएं का गुबार निकल रहा है। रेलगाड़ी को हेतमपुर पर ही रोक दिया गया। ये छोटा सा स्टेशन मुरैना से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। आग की खबर मिलते ही रेलवे के अधिकारी, दमकल के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और आग बुझाई गई। ऐसे ही अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट करके हमें अपना मनपसंद टॉपिक बताएं जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।